हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीता मौर्य। स्वागत है आपका अपनी रसोई में। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ लस्सी। लस्सी बनाने के लिए हमने ये दही ली है, आधा लीटर, शुगर पिसी हुई, ड्राई फ्रूट्स लिया है मैंने गार्निश करने के लिए, ये पिसी हुई इलायची है। अब हम इस दही को ये मथनी है, मथनी से हम फेंटेंगे, मथनी से हम इसको मथेंगे। पहले मथनी से ही मट्ठा को मथा जाता था, अब तो पता नहीं। आज मैं इस मथनी से आपको लस्सी बनाकर दिखाऊंगी। अब हम शुरू करते हैं इसको मथना। इसको आप आसानी से एकदम तलवे में रख के, इसके तले में रख के, एकदम नीचे रख के आप इसको मथेंगे, जब तक इसमें झाग ना उठना शुरू हो जाए। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे, फिर से नीचे ले जाएंगे। इसमें हम ये शुगर भी ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जैसा आप कम मीठा खाना पसंद करते हों, ज़्यादा खाना पसंद करते हों। देखिए इसमें झाग उठना शुरू हो गया है। इसमें हम पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। इलायची पाउडर भी हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। इसमें हम रोज वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इलायची ऐड किया है, इससे हमारी लस्सी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए हमारी लस्सी मथा रही है, हमारी लस्सी ने झाग देना शुरू कर दिया है। एकदम मार्केट जैसी लस्सी ये बनेगी। लस्सी हमारी मथा चुकी है, अब हम इसको ग्लास में रखेंगे। ये दो ग्लास मैंने ले रखे हैं कांच के, इसमें हम इसको डालेंगे इस तरीके से। हम इसको पूरा नहीं भरेंगे, अभी मैं इसमें आइसक्रीम भी डालूंगी। आइसक्रीम डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये घर की बनी हुई आइसक्रीम है, इसको मैंने घर में ही बनाई है। इसमें आप बर्फ का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। बर्फ डालने से हमारी लस्सी पतली हो जाएगी और पतली लस्सी बिल्कुल भी पीने में अच्छी नहीं लगती है। ये मैंने ठंडी दही का इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूंगी। ये देखिए ये लस्सी हमारी बनके रेडी हो चुकी है ना, एकदम मार्केट जैसी लस्सी। ये जितनी देखने में सुंदर है, उतनी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। आप ही अपने घर में बनाइए और इंजॉय करिए लस्सी के साथ, इंजॉय करिए लस्सी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, बाय, टाटा।